मैडम क्या क्या काम करती है थोड़ा बताओगे? मेरे से ज़्यादा ये काम करते हैं, बाटी का आटा लगाना, बाटी सेकना, जगरा लगाना, रोटी का आटा लगाना, 100 लोगों की रोटी बनाना, 100 की सुबह 100 की शाम को, हाँ यही बनाना दोनों टाइम। ये रेट अपनी 60 रुपये से स्टार्टिंग है, वो 80 रुपये तक है। जैसे रोटी की प्लेट खाओगे आप तो सादा 60 रुपये हैं, और घी में खाओगे 70 रुपये हैं, और बाटी की प्लेट खाओगे तो बाटी की प्लेट 60 रुपये सादा है और 80 रुपये घी में। दोस्तों आपको पता है हमेशा मैं नॉन वेजिटेरियन प्लेसेस मोस्टली कवर करता हूँ, बट आज जिस जगह पे आया हूँ उस जगह को कवर करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जो प्लेस है वो देसी ढाबा है, और मेरे को नहीं पता ये लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, और इनका कहना ये है कि अगर कोई बैठ के खाता है तो हम अनलिमिटेड देते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या इनका कॉन्सेप्ट है, बात करते हैं इनसे। मेरा नाम बिरजू सैनी, ढाबे का नाम है श्री कृष्णा पवित्र भोजनालय। ढाबे को 8 साल हो गए। अपने पास रोटी सब्जी और दाल बाटी दोनों प्लेट चलती। आप दोनों ही पूरा ढाबा संभालते हुए? हाँ। मैडम क्या क्या काम करती है थोड़ा बताओगे? मेरे से ज़्यादा ये काम करते हैं, मेरे से ज़्यादा ये काम है कि ये देख लो कि बाटी का आटा लगाना, बाटी सेकना, जगरा लगाना, रोटी का आटा लगाना, 100 लोगों की रोटी बनाना, 100 की सुबह 100 की शाम को, हाँ यही बनाना दोनों टाइम। अरे भाई, और जैसे ये ग्रेवी भी, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, तो ये सारा यही करके देते हैं। अरे यार, और आपकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 26। और आपकी? मेरी है 30। कितने टाइम से कर रहे हो आप ये काम? 8 साल से। 8 साल से कर रहे हो? 8 साल से मैडम आपके साथ में काम कर रही है? कभी ऐसा नहीं लगता कि काम करके थक गए कभी ऐसा लगा आज तक? नहीं, बीच में हुआ था एक दो बार, जैसे हम थक गए तो फिर क्या कि सुबह की शिफ्ट करके हम, क्योंकि स्टाफ नहीं था एक दो बार हमारे पास, तो हम क्या कि दिन की शिफ्ट करके घर पे रेस्ट करने के लिए चले, लेकिन सुबह वही एनर्जी आ जाती है रेस्ट करने के बाद। मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? नाम बताओ सर। नाम बताओ आपका? निराज। निराज? हाँ निराज नाम। चलिए, सब्जी के अंदर जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार को फिक्स रहता अपना बेसन गट्टा, ठीक है, और बाकी दिन 4 दिन सब्जियां हरी रहती है। शनिवार के दिन अपने सेव टमाटर स्पेशल बनता है। दाल बाटी के अंदर अपने पास बाटी हो गई, दाल हो गई, लहसुन प्याज की चटनी हो गई, और सलाद हो गया। ये अपनी सादा थाली है बाटी की। राइस भी है? राइस रोटी के साथ में। अच्छा। रोटी की प्लेट के साथ राइस है, ठीक है ना, उसमें राइस हो गई, एक सब्जी हो गई, एक दाल हो गई, एक चटनी हो गई, फ्राई मिर्ची हो गई। रेट अपनी 60 रुपये से स्टार्टिंग है, वो 80 रुपये तक है। जैसे रोटी की प्लेट खाओगे आप तो सादा 60 रुपये हैं, और घी में खाओगे 70 रुपये हैं, और बाटी की प्लेट खाओगे तो बाटी की प्लेट 60 रुपये सादा है और 80 रुपये घी में है। यहाँ बैठ के खाते हो तो अनलिमिटेड खाना खाओ, जूठा छोड़ने पे 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ। ढाबे में मेरा परिवार है। अच्छा। मेरी वाइफ है। अच्छा। मैं हूँ, एक भतीजा है, और अभी भाणजा पढ़ रहा तो उसकी छुट्टियाँ लगी हुई है तो वो आया रखा है, बाकी पूरे घर के हैं। तो एक बात बताओ मेरे को आप, हाँ जी, इस काम में आप कमा कितना लेते हो जब आप 60 रुपये में दे रहे हो, है ना, और फिर अनलिमिटेड भी खिला रहे हो, 5-5, 6-6, 8-8 बाटियां लोग बाग खा रहे हैं, तो फिर क्या कमाई मतलब कैसे हो जाती है आपकी कमाई? तो देखो ना, सारे घर के काम कर रहे हैं तो घर के काम कर रहे हैं तो वही तो बात हो गई, घर के ही घर वालों से तुम काम भी करा रहे हो, फिर उनकी तो मजदूरी नहीं निकल पाती ना? नहीं, मजदूरी देखो निकल जाती है, क्योंकि सुबह से हमारी 2 शिफ्ट चलती है। अच्छा। 2 शिफ्ट में देखो सुबह 10:30 बजे से खाना स्टार्ट होता है 2:30 बजे तक, ठीक है, जैसे शाम को चलता है वैसे ही दिन में चलता है, और अभी शाम को चल रहा है तो ये देख लो कि शाम को भी हम 7:30 बजे खाना स्टार्ट करते हैं और 10:30 बजे ऑफ हो जाता है, मतलब। तो रोजाना शाम को कितने लोगों का खाना बनाते हो? शाम को 100 आदमियों का। मॉर्निंग में ये देख लो कि 80 के लमसम बनता है। तड़का उड़का लगाने के लिए? हाँ। ये सारे मसाले वगैरह? हाँ। तो ये सारे गरम मसाले वगैरह मिला दिए भैया ने। ये तेज पत्ता हो गया, ये लो मसाला, इससे जलेगा नहीं। जैसे क्या कि कई लोग ऐसे आते हैं ना, जैसे 2 बाटी खाते हैं, 3 बाटी खाते हैं, वो भी मेरे को 60 रुपये देके अच्छा, जाते हैं। वो भी 60? तो वो क्या कि इधर काउंटिंग हो जाता है हमारे। हाँ, मतलब हर तरह का कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो 8 साल हो गई हमारे को यहाँ काम करते हुए, तो क्या कि सारा ये देख लो कि जितने भी इधर आसपास के हैं सारे मेरे यहीं से खाना लेके जाते हैं। अच्छा, जिसको बाटी खानी हो, बाटी खानी हो, रोटी खानी हो। तो आपको अच्छा लगता है ये सब बनाना? वेरी गुड।
जब बाटी बन जाएगी तब दिखाऊंगा आपको किस तरह की बाटी बन के निकलती है। टमाटर ऐड करेंगे, करिए सब। ये सारे आ गए मसाले के अंदर, पानी, लहसुन। तो गाइस दोनों मिलके ही काम करते हैं, आप देख सकते हो किस तरह से। मैडम यहाँ पे हर तरह का काम करती हैं, भैया यहाँ पे लगे रहते हैं छोटे मोटे सारे काम करना, सब्जी वब्जी बनाने का सारा काम इनके पास रहता है। शानदार यार, कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अरे वाह, ऊपर जो ढाबा स्टाइल बन रहा है भाई, चना मसाला। अरे वाह यार, मतलब इतनी सारी चीजें डालते हो क्या तुम? हाँ, आज ही डालते हो, रोजाना डालते हो भाई? नहीं, रोजीना कभी भी आके देख सकते हो यार, दाल की रंगत देख सकते हो भाई। वाह भाई वाह, लजीज कलर आया है, ये देखो साइड से रोगन। अरे भाई साहब, थोड़ा पानी भी डालोगे ना? नहीं, ये जो बॉईल करते हैं वही पानी इसमें ऐड होगा। हाँ, वही वाला पानी डालेगा ना भाई। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो उसको लोकेशन थोड़ा सा समझाओ, किस तरह से आए? ये है गांधी पथ पे, वैशाली नगर गांधी पथ पे है। जैसे ये पुलिया है ना गांधी पथ वाली, उससे 150 मीटर ओली तरफ, ये चित्रकूट सेक्टर 3 के सामने जस्ट। इधर पूरा सब्जी वगैरह रख रखे हैं। ये क्या क्या चीजें भैया दिखाना एक बार? ये चावल है। ओके, ये लहसुन वाली चटनी है, लहसुन की चटनी। ये बेसन गट्टा है, बेसन गट्टा। ये दाल, ये तड़का दाल। ये फ्राई मिर्ची, फ्राई मिर्ची और प्याज। ये प्याज। चलो तो अब ये बाटियां निकालते हैं। ये पक गई बाटी ढंग से? बिल्कुल। ये जो घी वाली जो प्लेट होती है ये आपकी 80 रुपए की है? हाँ, 80 रुपए। 70 रुपए में और क्या लोगे, भरपेट खाना मिल गया, और क्या। स्वादिष्ट तो है, स्वादिष्ट, टेस्टी, अच्छा, घर जैसा। बिल्कुल यार, घर जैसा खाना। तो आप पहले भी आए थे या फिर? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ आपकी तरह। सच में पहली बार? जोधपुर से हूँ मैं, पहली बार आया। चलो बढ़िया यार, अच्छा लगा खाना आपको? जोरदार, बढ़िया। दोनों थालियां लगवा दिए, बाटी वाली भी और रोटी वाली भी। भाई ये जगह कवर करने का रीज़न ये था कि देखो ये 70 रुपये में खाना है, देख रहे हो आप। और मैंने आपको बना के भी दिखाया किस तरह से खाना ये बनाते हैं। देखो इसमें ये सब्जी, देखो ये है गट्टी की सब्जी, देख रहे हो क्या शानदार ग्रेवी बनी है इसकी। घर जैसी ग्रेवी बनती है ना, वैसी ग्रेवी दिख रही है। घी से चिपड़ी हुई रोटियाँ, और ये है इनकी बाटी वाली थाली जो देखो घी से एकदम सोख हो चुकी है, देख रहे हो घी। ये है दाल इनकी। अच्छा, सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि आप इनको रिफ़िल करवा सकते हो। एक चीज़ जो इन्होंने सही बना रखी है वो ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा डलवा लेते हो, आपसे नहीं खपती है, तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं। आपको खाना है जितना लो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने छोड़ा तो आप 20 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलो अब मैं टेस्ट करता हूँ क्योंकि अब हो गया बहुत देर। तो पहले तो मैं बाटी एक बार ऐसे ही खाना चाहूँगा। गजब यार, घर पे तो बनती नहीं है ऐसी बाटियाँ यार। अगर आप जयपुर में रहते हो तो कभी आप खोले के हनुमान जी गए हो? जगरे वाली बाटी खाई है आपने? वो वाली बाटी है भाई एकदम। अब मैं इसको चटनी के साथ खाऊंगा, जो कि मेरे को चटनी बहुत पसंद है। ये देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया यार, इसका जो टेस्ट है ना, मैं आपको 100% कह सकता हूँ 80 रुपये वाला टेस्ट तो नहीं है इसका। इसका टेस्ट देखता हूँ कैसा है, बाटी के साथ ही देख लूँगा, इस रोटी के साथ नहीं देख रहा है ना। तो ये तो लिया हमने एक गट्टा, थोड़ा सा रोगन और तरी डाली। आपको पता है कभी अपन सभामणी वगैरह में बनवाते हैं ना बेसन की गट्टे की सब्जी, जिसमें दही भी डलता है, टमाटर भी डलता है, बेसन के गट्टे बनते हैं, वो वाला बिल्कुल वही स्वाद मिलेगा। दाल भी आपको वही स्वाद की मिलेगी, हल्की सी लिक्विड ही मिल सकती है, बट स्टिल टेस्ट आपको पूरा मेंटेन मिलेगा। आप इस जगह पे आएँ, यहाँ का खाना ट्राई करें। अगर आपको बैठ के खाना है तो बैठ के खा लो, गाड़ी में लेना तो गाड़ी में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको टेक अवे लेके जाना है तो आप लेके भी जा सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमको सपोर्ट करते रहिए और
हम जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।